वेलकम टू वेलकम ऑल ऑफ पीपल दैट सुधीर पाठक की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ, वो बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। हम रिकैप करें कल की बात है। कल मैंने एक ऑडियो फॉर्म में एक फार्मूला दिया है मेरे यूट्यूब चैनल के एक सक्सेस 10 सक्सेस ऑफ स्टेप्स, उसमें वो फार्मूला इतना बेहतर है कि आप यदि उस फार्मूले को प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे ना, रियली 100% आपके जीरो से टॉप अर्निंग्स स्टार्ट हो जाएगी विद इन 90 डेज। सो ये तो कल की बात थी। हम बात करें आज के एक नए बुक के नए एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात करना चाहूंगा उस बंदे की जो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती यानी कि इन्वेस्टर की दुनिया में चार्ली का नाम सबसे बड़ा है। चार्ली का नाम आपने शायद ना सुना हो, लेकिन वॉरेन बफे का तो नाम सुना होगा। वॉरेन बफे की मार्क शायर कंपनी के पार्टनर मिस्टर चार्ली, जिन्होंने किताब लिखी है अलमोंक, एक ऐसी किताब है जो बहुत ही फेमस है। यदि एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर हो तो ये किताब सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि इस किताब में मुझे एक टॉपिक बहुत अच्छा लगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस टॉपिक में उनका यह कहना था कि क्या गरीब होना पाप है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या गरीब होना पाप है, तो उनका यह कहना था गरीब होना पाप नहीं है, गरीब होना बिल्कुल भी पाप नहीं है, लेकिन खुद पे यदि आप खर्च नहीं करते हो तो सबसे बड़े पापी हो। इफ यू डोंट एक्सपेंस फ्रॉम दैट योरसेल्फ दैट यू आर अ बिगेस्ट प्रॉब्लमेटिक पर्सन, आप 100% गरीब रहेंगे। उनका एक फॉर्मूला था क्या गरीब कितने परसेंट खर्च करता है अपने आप पर, तो आंसर मिला 0। तो ये बताएं मध्यम वर्गीय कितना खर्च करता होगा, तो डेफिनेटली मध्यम वर्गीय 5-10% खर्च करता है खुद के ऊपर, इसलिए वो हमेशा मध्यम वर्ग में ही रहता है। अपर मिडिल क्लास की बात करें तो अपर मिडिल क्लास कितना खर्च करता है, वो 10-15% खर्च करता है, इसलिए वो अपर साइड की तरफ जाता है। तो उनका यह कहना था कि रिच पर्सन कितना खर्च करता है, रिच पर्सन कम से कम 15-20% खुद के ऊपर हर महीने हर साल खर्च करता है, इसलिए वो रिच है। तो एक और प्रश्न आता है कि सुपर रिच कौन है, जो दुनिया की टॉपेस्ट हस्ती है सुपर रिच, वो कितना खर्च करती है, वो अपनी अर्निंग का 20-25% हर महीने खर्च करती है, इसलिए वो सुपर रिच है। हम किस सेगमेंट में आते हैं, क्या हम मध्यम वर्गीय, क्या हम मिडिल क्लास है, क्या हम अपर मिडिल क्लास है, या हम गरीब है। बात यह नहीं होती है कि हम किसी भी सेगमेंट में, लेकिन डब्बा चेंज करना तो हमारा फर्ज है ना। यदि हम गरीब है तो हम मिडिल से अपर की तरफ जा सकते हैं, यदि हम मिडिल हैं तो अपर से हम रिच की तरफ जा सकते हैं, और यदि हम रिच है तो हम सुपर रिच बन सकते हैं, बशर्ते खर्च करना पड़ेगा खुद के ऊपर। यू हैव टू बी एक्सपेंस दैट योर टाइम एंड मनी बोथ द थिंग यू टू एक्सपेंस मोर एवरी मंथ। यू हैव टू मेक इट द प्लान कि मैं अपने आप पे कितना खर्च करूं, क्या मैं अपने आप को टाइम देता हूं, क्या मैं अपने आप के ऊपर पैसा खर्च करता हूं। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम नहीं करते हैं खर्च, तो आज से अपना खर्चे का एक प्लान बनाना शुरू कर दें। नंबर वन, ये तो थी एक बुक का टाइटल। इसके बाद एक और बुक से मैंने एक टाइटल और लिया है, उसका नाम है हैप्पी हैबिट्स, खुश रहना। दुनिया में कितने तरह के लोग खुश होते हैं या क्या परसेंटेज है खुशी का, तो उस खुशी के परसेंटेज में जो ज्यादा 25% वो लोग आए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्यार करते हैं, और करीब 50% वो लोग आए जो खुद अपने एंजॉय वाले काम को करते हैं। 75% ये लोग जो होते हैं ये खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो क्या खुशी का और भी कोई पैमाना है, खुशी यदि आप चिंतन करते हो तो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, आप सहेजते हो खुद के हैप्पी थिंग्स को, आपका इंडेक्स बढ़ेगा, आप इमेजिन करते हो, आप काल्पनिक हो, आपका इंडेक्स बढ़ेगा, आप अच्छे प्लानर हो, आपका खुशी का इंडेक्स बढ़ेगा, और यदि आप ऑप्टिमिस्ट आशावादी हो तो आपका खुशी का इंडेक्स बढ़ेगा। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण थी। तीसरी और लास्ट बात ये कहना चाहता हूं कि 90 मिनट्स एवरी डे यू हैव टू बी एनालिसिस टू योर वर्क डेली, खुद का एनालिसिस रोज 90 मिनट यदि करते हैं तो अगले 30 दिन आपके
हर दिन के 8 घंटे सुधर जाएंगे। मैंने कहा क्या काम किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। यू हैव टू बी एनालाइज एवरी डे, चाहे हेल्थ के ऊपर एनालाइज करो, चाहे वेल्थ के ऊपर करो, चाहे अपने रिलेशनशिप के ऊपर करो। कौन सही है, कौन गलत है, किससे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, किससे नहीं कर रहा हूँ, किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, क्या मेरी हेल्थ ठीक है या नहीं है, इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर एनालाइज करने से हर दिन आपका बेहतर बनने लगेगा। रियल में दिस इज इंप्लीमेंटेड फॉर्मूला, यू हैव टू इंप्लीमेंट टूडे नाउ। सो यही मेरा मैसेज आप लोगों को देना था। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।